बीकानेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले खदान क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पुलिस गश्ती दल के सतर्कता से लूटने से बचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावनेर पुलिस को रात्रकालीन गश्ती दल को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि सावनेर थाना अंतर्गत कोई अज्ञात चोर एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही गश्ती दल हरकत में आकर शहर में लगे सभी एटीएम को तलाशने लगा। ऐसे में फिर सूचना मिली कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को टारगेट किया जा रहा है, तो तुरंत ही गश्ती दल शहर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सावनेर शहर में स्थित दोनों एटीएम की जांच कर वेकोली परिसर में स्थित तीसरे एटीएम पर पहुंचते ही एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे अज्ञात चोर अंधेरा तथा बारिश का लाभ उठाकर एटीएम से सटे घनी झाड़ियों में भाग निकलने में सफल हुए। गश्ती दल के पुलिस कर्मियों ने उक्त घटना की सूचना सावनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार मारुति मुरुक वे भी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, चोर की तलाश तथा आगे की जांच कार्य में जुट गए। एटीएम चोरी करने आए चोरों की सारी हरकतें एटीएम में लगे सुरक्षा कैमरे में कैद होने से पता चला कि उक्त घटना में एटीएम चोर हेतु अकेला ही एटीएम फोड़ने के औजारों से लैस होकर पहुंचा था तथा पुलिस गश्ती दल के पहुंचते ही भाग खड़ा हुआ। घटनास्थल से प्राप्त हुए सीसीटीवी फुटेज तथा औजारों के फिंगरप्रिंट के आधार पर उक्त एटीएम चोर की वारदात की खोजबीन के कार्य में सावनेर पुलिस जुटी है। वही घटना की गंभीरता देख डॉग स्क्वाड तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आदि की मदद लिए जाने की बात थानेदार मारुति मुरुक द्वारा कही गई। सावनेर पुलिस के गश्ती दल के नीलेश ताड़े, विजय पांडे, आशीष कारेमोरे आदि पुलिस कर्मियों ने समय सूचकता एवं कर्तव्य दक्षता की सर्वत्र सराहना की जा रही है। बीसी न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढले